इन दोनों टीमों में से एक टीम आगे जाएगी और वो निर्धारित होगा, उसका पता चलेगा जब नफीसा जी अपना शूट आउट का सवाल आपसे पूछेंगी। रेडी नफीसा जी, शूट। सचिन तेंदुलकर पार्लियामेंट में किस हाउस के मेंबर हैं? बजर पहले दबाया है चंडीगढ़ की चमक छल्लो ने। सवाल है, सचिन तेंदुलकर पार्लियामेंट में किस हाउस के मेंबर हैं? आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आपने बजर दबाया ही नहीं, बोलिए। आई थिंक इट्स लोकसभा। यू थिंक इट इज लोकसभा। लोकसभा पे डन करते हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप आगे निकल जाएंगे कोटि की चोटी खेलने में, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आप आगे निकल जाएंगे कोटि की चोटी खेलने के लिए, 1 करोड़ रुपए के लिए। नफीसा जी हमें बताएंगे। माफ कीजिएगा, गलत है। राज्यसभा के मेंबर है ना सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर साहब नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेशन राज्यसभा में होता है और उनका हुआ था। नफीसा जी बहुत 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 धन्यवाद कि आप यहाँ पर आईं और आपने हमारे लिए डिसाइड किया कि कौन सी टीम आगे जाएगी। लेट्स हियर फॉर नफीसा जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे सुपर सवाली नफीसा जी ने आके डिसाइड किया कि कोटि की चोटी की तरफ यानी 1 करोड़ रुपए के लिए जाएगी हमारी जयपुर जोड़ी, जेठानी और देवरानी की। आप दोनों भी बहुत अच्छा खेले, चरणजीत एंड जसनीत, यहां ये मेरे पास। मेरा बहुत दिल था कि आप आगे जाएं। एक छोटा सा सवाल, दो ही चॉइसेस थे आपके पास, राज्यसभा लोकसभा, थोड़ा सा गलत पड़ गया। जल्दबाजी में शायद नर्वस होंगे। सर, पता मैंने जल्दबाजी में बजर दबाया था और मैंने ये पढ़ा था तुमने कहा सचिन तेंदुलकर के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ के आई थी और मालूम था कि राज्यसभा में, लेकिन जल्दबाजी में लोकसभा कह दिया। आई एम रियली सॉरी, यही होता है। थोड़ा सा इस खेल के अंदर अपना संतुलन बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर आए हमें बहुत खुशी है। आपके घर वाले आपको देख रहे होंगे, बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, दे वर फैंटास्टिक। एवरीबॉडी लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय चंडीगढ़ की चमक छल्लो। पहली बार ये अपने घर से जयपुर से विदाउट हस्बैंड एंड चिल्ड्रन निकल कर आई। Yes. कमाल होगा अगर आप 1 करोड़ रुपए लेकर वापस पहुंच जाएं। Yes. बहुत कमाल होगा। So let us introduce a round called Koti Ki Choti. Can we have the Koti Ki Choti please? आपके सामने ये पहाड़ नुमा शिखर एक है और शिखर पर चढ़ने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। आपके सामने 5 अलग अलग लेवल आएंगे जिन्हें हम बेस कैंप लेवल कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो बेस कैंप के लेवल होते हैं। यहाँ पर 15 सेलिब्रिटी, वो आम आदमी जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास काम करके अपना नाम कमाया है, वो आपसे अब सवाल पूछेंगे रैंडमली। वो किसी भी लेवल के ऊपर रख